गाली गलौच करने गुस्से दे विच आए आरोपियों ने सुपरवाइजर अमित नूं जिंदा ही 20 फुट गहरी अग दे नाल दहकदी भट्ठी दे विच तकिया। यह मामला लालड़ू नज़दीक पिंड मलकपुर के पंजाब इटा भट्ठे का है, जिथे लापता हुए 40 साल सुपरवाइजर नूं जिंदा जलाउण दा मामला सामने आया है। गिरफ़्तार दो आरोपियों नूं पुलिस ने बुधवार को डेराबस्सी की कोर्ट के पेश किया, जिथे उन्हां दा 3 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस नूं हासिल होया है। इस मामले दे विच पुलिस ने मृतक की पछाण अमित पुत्र राजा चौधरी वासी चेरिया परागपुर जिला बेगूसराय बिहार के रूप दे विच कीती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं SSP डॉक्टर दर्पण आलूवालिया ने हत्या के कारणां सुपरवाइजर अमित दे पैसे दे लैण देण नूं लैके दस्सिआ है। उन्हां इह वी दस्सिआ कि गाली गलौच कारण आरोपियों ने गुस्से दे विच आ के सुपरवाइजर नूं अग दे नाल दहकदी भट्ठी दे विच जिंदा जला दिता। मृतक सुपरवाइजर दीआं अस्थियां पिंजर भट्ठी तों कढ के डेराबस्सी दे सिविल हस्पताल दे विच रखीआं गईआं ने। इन्हां विचों कुझ अस्थियां नूं टेस्ट करन दे लई लैब दे विच भेज दिता गया। इत्थे सानूं कल शाम नूं थाना लालड़ू विखे एक गुमशुदगी की कंप्लेंट मिलती है। गुमशुदा आदमी का नाम अमित, 40 साल का, बेगूसराय जिला बिहार का रहने वाला है। इस तों बाद SHO लालड़ू और उन्हां दी टीम ने मैनेजमेंट तो लैके मुंशी और सारे वर्कर जिहड़े पट्ठे ते काम करदे सी उन्हां तों पुछगिछ की। पुछगिछ के दौरान कई गल्लां सामने आईआं जिन्हां ने पॉइंट किया कि यह जो अमित है जो गुमशुदा है एक्चुअली यदा मर्डर हो गया। ए तो बाद FIR दर्ज हुई 302 धारा के अंडर। 10 घंटिया के अंदर अंदर यह जो ब्लाइंड मर्डर है ये ट्रेस हो गया है। दोनों अक्यूज्ड दीपक और राजेश जिड़े कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं, जिदा कि विक्टिम रहने वाला है, ये दोनों अरैसट किए गए हैं। ये जो मर्डर किया गया यद मेन मोटिव यह कि इन्हों की 1.5-2 महीने पहला भी हिस्टरी ऑफ लड़ाई झगड़ा से। ये जिहड़ा सुपरवाइजर है इन्हां दा कोई मोनिटरी डिस्प्यूट से, पैसों के लैन देन दे कोई डिस्प्यूट चलता आ रहा है। तो इन अक्यूज के इंटेरोगेशन के मुताबिक जिस रात इन्होंने ये सिर पर डंडा मार के यदा मर्डर किया है तो इनू फरनेस में धकेलता है जिहड़ा कि 12 feet डेप्थ है, जितों सानू सिर्फ स्केलेटल रिमेन्स रिकवर हुए ने। वह इन्होंने 7 से 8 तरीक की दरमियानी रात जब इन्हों की शिफ्ट सी फ्रॉम 4 PM to 1 AM तद इस वारदात को अंजाम दिता है। इस पूरे मामले नूं लैके पुलिस ने घटना वाली जगह पर इट्टां दे पट्ठे का दौरा करते हुए घटना वाली थां नूं दिखाया ते दस्या कि ऐतवार की रात सुपरवाइजर इट्टां दे पट्ठे उपर अपनी ड्यूटी दे रहा सी। इस दौरान आरोपी राजेश ते दीपक भी मौजूद सन। किसी गल नूं लैके इन्हां दे विचकार झगड़ा हुंदा है ते इस तों बाद गुस्से विच आ के आरोपियों ने सुपरवाइजर नूं जिंदा ही दहकदी अग दी भट्ठी दे विच धक्का दे दित्ता, जिस कारण वह बुरी तरह दे नाल जल गया ते उसकी मौत हो गई। पट्ठे के मालक वालों गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज कराने बाद जो पुलिस ने इन आरोपियों तो सख्ती दे नाल पूछगिछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पूरे मामले दे विच हुण पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिल गई है। पुलिस ने मृतक के परिवारक मैंबरों को भी सूचित कर दिता है। मृतक अमित अपने पिछे अपनी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों छड्ड गया।